मुंबई के घाट कोपर में एक चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में अब तक मिली जानकारी के हिसाब से पायलट समेत 5 लोगों की जान गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। मरने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें एक विमान की कोपायलट थी। यह हादसा घाट कोपर के सर्वोदय नगर इलाके में दोपहर 1:35 पर हुआ, जिसमें एक पायलट, 3 अन्य लोग और एक राहगीर की मौत हुई है। जानकारी ये भी है कि विमान 2014 तक यूपी सरकार के पास था और उसके बाद यूपी सरकार ने इसे बेच दिया था। इस विमान ने जुहू एयरबेस से उड़ान भरी थी और टेस्ट फ्लाइट पर था, लेकिन इसी दौरान विमान का इंजन फेल होने की वजह से हादसा हुआ। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाई और विमान को खाली जगह ले जाया गया, जहां निर्माणाधीन इमारत पर विमान गिर गया। फिलहाल विमान हादसे की जांच के लिए DGCA की मुंबई के लिए टीम रवाना हुई है। हमारे साथ अमन, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमन, अभी फिलहाल क्या चल रहा है वहां पर? जी देखिए, इस वक्त अभी भी जो लोग हैं वो NDRF के हो या फिर इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड के जवान हो, साथ ही पुलिस और जांच करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे घटनास्थल जहाँ पे ये प्लेन गिरा है। इस वक्त हम जो निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास ये हादसा, इसी के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह किस तरह जो ये पूरा प्लेन जो चार्टर्ड प्लेन है वो क्रैश हुआ था। आप साथ ही देख सकते हैं कि जो NDRF की टीम है, साथ ही एविएशन से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार जाँच कर रहे हैं। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है कि इस पूरे हादसे में जो एयरक्राफ्ट का जो ब्लैक बॉक्स था वो मिल चुका है। हालांकि अब तक ये इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो लोग यहाँ पर जांच के लिए पहुँचे हैं उनके मुताबिक ब्लैक बॉक्स उनको मिल चुका है और लगातार वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। जो हादसा हुआ है, जिस वजह से ये हादसा हुआ उसका कारण पता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं साथ ही दिखाना चाहूँगा कि जैसा कि पहले भी हमने बताया कि इस पूरे हादसे में कहीं ना कहीं पायलट की काफ़ी सूझबूझ नज़र आई। ये इलाका आप देख सकते हैं कि पूरा रिहायशी इलाका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह रिहायशी इमारतें हैं, चारों तरफ से रिहायशी इमारतें और उसके बीच ये जो एयरक्राफ्ट है वो आकर गिरा। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जाहिर तौर पर बहुत मदद होगी, लेकिन लगातार रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के। सब चालू किया उन्होंने काम, ज्यादा दिक्कत आई फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों को? नहीं आई, लेकिन घटना घटने के बाद आधा पौना घंटे में सब लोग पहुंचे यहाँ पे। अमन, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे वो इस हादसे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ब्लैक बॉक्स इस हादसे में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे पहले भी ये विमान हादसे का शिकार हुआ है और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसे एक लापरवाही से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि जिस तरह से इसे फ्लाइंग टेस्ट कराया जा रहा था, ये सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही भी दिखती है। निश्चित तौर पर ये लापरवाही दिखती है क्योंकि यही वो एयरक्राफ्ट है जो पहले भी क्रैश हो चुका है और जो आज की घटना की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट आज फिर टेस्टिंग के लिए ही उड़ाता है। ऐसे में जो कि लोग भी इस एयरक्राफ्ट में मौजूद थे, को पायलट भी मौजूद था, ये इंजन फेल होने की जो बातें अब तक सामने है कि इंजन फेलियर के कारण ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर क्रैश हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर लापरवाही यहाँ पर साफ नज़र आती है क्योंकि ऐसा ही एयरक्राफ्ट जो पहले भी क्रैश हो चुका था। जी, और फिलहाल जो लोग प्रभावित हुए हैं इस हादसे में उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, इस हादसे में जो लोग, 2 इंजीनियर इस प्लेन में मौजूद थे, साथ ही 2 पायलट थे जो जिनकी घटना स्थल पे ही मृत्यु हो गई, साथ ही एक राहगीर जो यहाँ से जो गुजर रहा था वो इस एयरक्राफ्ट की चपेट में आ गया, उसकी भी मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 लोग जो घायल हैं उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है, पास ही के सरकारी अस्पताल में उन्हें ले जाया गया है जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। जी, ब्लैक बॉक्स चूंकि मिल चुका है अमन, तो ऐसे में हालांकि समय जरूर लगेगा, लेकिन एक आकलन फिलहाल क्या बताया जा सकता है कि कितना समय लगेगा ताकि ये पूरी स्थिति साफ हो पाए कि आखिर ये हादसा हुआ किसे और किन हालात में ये क्रैश हुआ है विमान? निश्चित तौर पे जो प्राथमिक जानकारी है वो यही उससे यही पता चलता है कि इंजन फेलियर के कारण ये प्लेन क्रैश हुआ है यहाँ पर। लेकिन पूरा जो क्रैश की वजह क्या थी, चूँकि ब्लैक बॉक्स ऐसा उपकरण होता है जो इंजन जिस वक्त ये हादसा जो प्लेन में मौजूद होता है उसमें जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं वो रिकॉर्ड होती है, तो जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पायलट हो या फिर दूसरे जो ATCs हो या फिर दूसरे जो अधिकारी जो कम्युनिकेशंस कर रहे थे वो रिकॉर्ड उस ब्लैक बॉक्स में होगी। तो निश्चित तौर पर जब ब्लैक बॉक्स की जाँच होगी उसमें से चीज़ें जब बाहर आएंगी, पता लगेगा, रिकॉर्डिंग जब उसमें पता चलेगा कि क्या कम्युनिकेशन हुई थी, तो इस घटना की जो पुख्ता तौर पे कोई भी जानकारी सामने आ पाएगी।
चूंकि निर्माणाधीन बिल्डिंग पर ये क्रैश हुआ है और जाहिर तौर पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इस बीच जो अहम बात है वो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, वो ये कि ब्लैक बॉक्स इस विमान का मिला है, जिसके जरिए अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी और ये जाना जाएगा कि आखिर इंजन फेल होने के दरमियान क्या हालात बने थे, किस तरह की सिचुएशन रही थी। अमन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर मुंबई विमान हादसे से जुड़ी हुई, इस वक्त आप देख रहे हैं। हादसे का शिकार विमान यूपी सरकार से UY कंपनी को बेचा गया था। विमान के मालिक यूपी के कानपुर के रहने वाले गुटखा कारोबारी दीपक और उदय कोठारी हैं। मुंबई के जुहू में इनका बंगला है। जानकारी के मुताबिक विमान के मालिक अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और अखिलेश सरकार में ही उन्हें प्लेन बेचने का प्रस्ताव पारित हुआ था। और इधर यूपी में संत कबीर नगर मगहर पहुंचे पीएम मोदी ने एक साथ कांग्रेस और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस देश में आपातकाल लगाने वाले और आपातकाल का विरोध करने वालों ने कुर्सी और बंगले के लिए कंधे से कंधा मिला लिया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पर पीएम ने तंज कसा कि यूपी सरकार को गरीबों की जगह अपने बंगलों में ज्यादा दिलचस्पी थी। समाजवाद और बहुजन की बात करने वालों का सत्ता के लिए लालच साफ दिखाई दे रहा है। अभी दो दिन पहले ही देश में आपातकाल की 43 साल हुए। सत्ता का लालच ऐसा है कि आपातकाल लगाने वाले और उस समय आपातकाल को विरोध करने वाले आज कंधे से कंधा मिलाकर कुर्सी झपटने की फिराक में घूम रहे हैं। ये देश नहीं, समाज नहीं, सिर्फ अपने और अपने परिवार के हितों के लिए चिंतित है। उन लोगों का मन लगा हुआ है अपने आलीशान बंगले से। मुझे याद है जब गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई तो यहां जो पहले वाली सरकार थी उनका रवैया क्या था। हमारी सरकार ने चिट्ठियां पर चिट्ठियां लिखी, अनेक बार फोन पर बात की गई। उस समय की यूपी सरकार आगे आए, गरीबों के लिए बनाए जाने वाले घरों की कम से कम संख्या तो बताएं, लेकिन वो ऐसी सरकार थी जिनको अपने बंगले में रुचि थी, लेकिन वो हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहे। साथियों, आपने तीन तलाक के विषय में भी इन लोगों का रवैया देखा है। देश भर में मुस्लिम समाज की बहनें आज तमाम धमकियों की परवाह न करते हुए तीन तलाक हटाने, इस कुरीति से समाज को मुक्ति के लिए लगातार मांग कर रही है। लेकिन ये राजनीतिक दल, ये सत्ता पाने के लिए वोट बैंक का खेल खेलने वाले लोग तीन तलाक के बिल के संसद में पास होने पर रोड़े अटका रहे। ये अपने हित के लिए समाज को हमें